तो आज के इस लेक्चर में, क्योंकि हमें पॉपुलेशन पिरामिड डायग्राम को समझना है, वो कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड जैसे डायग्राम्स से हम किस तरह की सूचनाएं लेते हैं, ये आज हमें इस लेक्चर में करना है। तो इसमें पहले हमें ये चीज़ जाननी होगी कि ये पॉपुलेशन पिरामिड डायग्राम जो होते हैं, ये जो डायग्राम्स की कैटेगरी है, एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, इसमें ये एकविमीय आरेखों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये एक तरह से जो दंड आरेख होता है उसका एक स्पेशल रूप है। हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि दंड आरेख है, तो दंड आरेख की स्थिति में हम देखते हैं कि ये एकविमीय क्यों है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ जनसंख्या घनत्व को दिखाया गया है ना, राज्यवार जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पर तो राज्य आ गए। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दंड दिखाए गए हैं, इनकी मोटाई हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हम हमारे पेपर के आकार के हिसाब से इनकी मोटाई चुन लेते हैं और इनके बीच के अंतराल का चुनाव कर लेते हैं, और उस अंतराल को हम हमेशा एक जैसा रखते हैं। इसमें जो चीज़ परिवर्तित होती है वो केवल और केवल इस वाई एक्सिस के सहारे परिवर्तित हो रही है, और वो है मूल्य। और वो मूल्य यहाँ क्या है, घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर। क्योंकि परिवर्तन केवल एक विमा के सहारे हो रहा है, इसलिए ये एक विमीय आरेखों की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी पर तरह के दंडारेख हैं, चाहे ये साधारण दंडारेख हो, चाहे हम मिश्रित दंडारेख की बात करें, और चाहे हम बहुदंडारेख की बात करें। ठीक है, लेकिन जब हम ये देखते हैं, जैसे कुछ द्वादिशा दंडारेख भी होते हैं जो दोनों दिशाओं में बनाए जाते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, टेम्परेचर है ना, क्लाइमेटिक डेटा में जब हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं तो टेम्परेचर माइनस में भी होता है, टेम्परेचर प्लस में भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों दिशाओं में चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये ऊपर भी है आरेख और नीचे भी है, दंड ऊपर भी बने हुए हैं, नीचे भी बने हुए हैं, लेकिन ये है एक ही अक्ष के सहारे। ठीक है, इसलिए हैं ये एक विमा वाले आरेख ही। इसी प्रकार से एक जो विशिष्ट प्रकार है वो कहलाता है पॉपुलेशन पिरामिड आरेख, है ना। वैसे इनको पिरामिड आरेख बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हम ज्यादातर इनके अंदर इनके ऊपर पॉपुलेशन को दर्शाते हैं, इसलिए सामान्यतः हम इनको पॉपुलेशन पिरामिड आरेख बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हम ये देखते हैं कि हमारी पुस्तकों में जो हम पॉपुलेशन पिरामिड आरेख के एग्जाम्पल देखते हैं, वो पॉपुलेशन पिरामिड के ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं पिरामिड आरेख इनको? क्योंकि इनकी आकृति जो होती है वो पिरामिड जैसी होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको पॉपुलेशन पिरामिड आरेख की संज्ञा दे देते हैं। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि हम इसके अंदर आयु वर्ग के हिसाब से और लिंग के हिसाब से जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हालांकि हम जनसंख्या के दूसरे चारित्रिक गुणों को भी साथ में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सामान्यतः हम क्या करते हैं, जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, सरल पिरामिड, अध्यारोपित पिरामिड और मिश्रित पिरामिड। अब इन पिरामिड आरेखों में यदि आप देखो, तो जैसे सरल पिरामिड आरेख की हम बात करें, पहले हम उसकी रचना समझते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के आरेख के लिए एक उदाहरण लेते हुए मैं आपको समझाऊंगा इसको। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया, उत्तर प्रदेश में आयु वर्ग व लिंग के अनुसार जनसंख्या को हम पिरामिड आरेख से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ सूचनाएं क्या क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ सूचना है आयु वर्ग की, हमारे पास यहाँ सूचना है सेक्स की, और हमारे पास यहाँ सूचना है प्रोपोर्शन पॉपुलेशन की इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, इन एज कैटेगरीज एंड ऑल्सो विथ सेक्स कैटेगरीज। ये हमारे पास में उपलब्ध डेटा सेट है, ये हमारे पास में उपलब्ध सूचना है। ठीक है, अब देखिए इस सूचना के साथ हमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सरल पिरामिड आरेख कैसे बनता है। ठीक है, तो सरल पिरामिड आरेख को समझने के लिए हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि इस तरह के आरेख में हम क्या करते हैं कि एक ही एक्सिस के सहारे, एक ही एक्सिस के सहारे उसके
दोनों तरफ हम हमारे जो डेटा है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, बीच का जो भाग होता है उसमें हम आयु संरचना को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बाई कन्वेंशन, है ना, ध्यान रखना मैंने एक शब्द यूज किया है बाई कन्वेंशन, ठीक है। बाई कन्वेंशन हम फीमेल जो पॉपुलेशन डेटा है उनको बाईं ओर और मेल पॉपुलेशन डेटा को दाईं ओर दिखाते हैं, है ना, ऐसी परंपरा है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये द्वा दिशा आरेख है, दो दिशाओं में चलता है, ठीक है, पर ये साइड बाय साइड चलता है, ठीक है ना, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बातें नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे इस तरफ जो हमारे ये दंड दिखाई दे रहे हैं आपको लेटे हुए, है ना, ये जो ये जो हॉरिजॉन्टल आपको बार्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो इधर वाले जो बार हैं वो यहाँ से जो स्केल शुरू हो रही है उसके अकॉर्डिंग है, है ना, और वो मेल के लिए है, और इधर जो बार चल रहे हैं जिनकी स्केल यहाँ से जीरो से शुरू हो रही है वो फीमेल के लिए, फीमेल पॉपुलेशन को डिपिक्ट करने के लिए, दर्शाने के लिए। इनके बीच में एक कॉलम रखते हैं, इसके ऊपर हम आयु संरचना दिखाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यदि हमें आंकड़े जनसंख्या के रूप में दिए हैं, ठीक है, हमें अलग अलग आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष की जनसंख्या दी हुई हो, तो पॉपुलेशन पिरामिड आरेख बनाने के लिए हमें उसको प्रतिशत में बदलना चाहिए, ठीक है। और यदि ये डेटा सीधे ही प्रतिशत में दिए हो, ठीक है, तब बात दूसरी है। जैसे यहां पर कुल जनसंख्या का प्रतिशत, मतलब हमें डेटा पहले से प्रतिशत में ही अरेंज करके दिए हुए, हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं होते प्रतिशत में तो हम उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करते, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए सिंपल सी बात है, जैसे हम इसमें दो उदाहरण लेते हैं, एक तो लेते हैं 0 से 4 का, एक लेते हैं 65 से 69 का, है ना। इन दो उदाहरणों से हम देखते हैं कैसे दर्शाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा डेटा ध्यान रखना, पुरुष का 7% और स्त्री का 6.8%, है ना, अर्थात टोटल जनसंख्या में 0 से 4% 0 से 4% की कैटेगरी के अंदर 13.8% पॉपुलेशन का आता है, उसमें से 7% पुरुष है और 6.8% स्त्री है, ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी इस बात को, है ना। अब हम इसको देखते हैं आरेख के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, है ना, इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। तो आरेख में जब हम इसको देखते हैं तो देखिए ये देखिए यहां पर, यहां ये दंड कितना बड़ा बनेगा, ठीक है, मैं उसका जो डेटा है उसका एग्जांपल लेता हूँ, ये अगला एग्जांपल आ गया, हाँ, ये दंड कितना बड़ा बनेगा इसके लिए हम सबसे पहले एक पैमाना लेके रखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है लेकिन आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपको पैमाना लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 1% के द्वारा दर्शाया गया, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1% ऑफ पॉपुलेशन, ये आपको पैमाना जरूर लिखना है, ठीक है। अब आपको पता है कि 0 से 4 कैटेगरी में 7% पुरुष हैं, तो आप देखिए राइट साइड में बनाएंगे मेल के लिए, और आपने ये 7% मतलब यहां तक, ठीक है, यहां तक के लिए आपने क्या किया, एक कॉलम बना दिया, ये बार बना दिया, ठीक है। और इस तरफ आपने क्या किया, 6.8% के लिए एक बार बना दिया, पैमाना एक ही होगा दोनों के ऊपर, पैमाना नहीं बदलेगा, ठीक है। ऐसे करते करते आप क्या करोगे, जैसे आप सरल दंडारेख में करते हो कि एक निश्चित मोटाई ले लेते हो दंडों की, इसमें भी आप दंड की मोटाई पहले से सुनिश्चित कर लोगे और दो दंडों के बीच की दूरी भी पहले से सुनिश्चित कर लोगे, और उसको हमें
पूरे आरेख में कहीं भी बदलना नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको एक और बताया था कि एक एग्जांपल जो है वो हम लेते हैं 65 से 69, तो मेल के केस में है 0.1% और फीमेल के केस में है 0.7%। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये है 65 से 69 का भाग ना, और इसके अंदर ये 0.1% और ये 0.7% के द्वारा पुरुष और स्त्री की जनसंख्या के प्रतिशतों को दिखाया हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड अरे किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य या किसी भी देश की जनसंख्या वर्तमान में किस स्थिति में है उसको बताने के लिए एक बहुत सशक्त आरेख है। और हम यदि इन आरेखों की, जैसे मान लीजिए कि हम 1901 से लेके और 2001 तक भारत की पॉपुलेशन पिरामिड आरेखों की यदि तुलना करें, उनका तुलनात्मक अध्ययन करें, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा ये नीचे का जो आधार है ना, ठीक है, ये हमारे यहाँ 1950 के बाद में बहुत तेजी से बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है। और ये वाला भी जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। अब धीरे धीरे पिछले दो दशकों में इस नीचे वाले जो बेस है पिरामिड का, इसके बढ़ने की दर थोड़ी सी कम हुई है ना। तो पॉपुलेशन की शेप बदलती है इस बात पर ये निर्भर करती है कि पॉपुलेशन किस अवस्था में है, पॉपुलेशन किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। आप पॉपुलेशन पिरामिड का अध्ययन करके किसी भी देश की जो भावी जनसंख्या है उसके बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। बहुत सारे देश हैं जिनकी जनसंख्या आज की तारीख में ऋणात्मक वृद्धि दिखा रही है, वहां पर बच्चों की संख्या जनसंख्या में बहुत कम है, तो उनका ये जो बेस है ये सकड़ा होगा, है ना। फिर उनका बीच वाला भाग अधिकांशतः चौड़ा है और फिर ऊपर भी ठीक ठाक मोटाई है, ऊपर भी ठीक ठाक मोटाई, क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन भी वहां अच्छी है। तो पॉपुलेशन पिरामिड को देखकर हमें ये भी पता लग जाता है कि किसी प्रदेश में बाल निर्भरता या वृद्ध निर्भरता या कुल निर्भरता का अनुपात कैसा है, ठीक है। ये सब जानकारियां भी हमें पॉपुलेशन पिरामिड को देखते ही पता लगती है। हमें पॉपुलेशन पिरामिड को देखकर स्त्री और पुरुष की सामाजिक स्थितियों का भी हमें एक मोटा मोटा अंदाजा लगता है। हम यदि गहराई में जाके उसके कारणों के साथ उनको उनको खोजने की कोशिश करें तो फिर हम बहुत सारी, जैसे मान लो मेल फीमेल में न्यूट्रिशन को लेकर जो डिफरेंस है उसको, लाइफस्टाइल के डिफरेंसेस को, है ना, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में उसको भी हम भांप सकते हैं और हम हमारे आर्ग्यूमेंट को और ज़्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला बीच वाला कॉलम है जहाँ पर आयु संरचना दिखाते हैं हम, ठीक है ना, और हर एक आयु संरचना के लिए एक बार फीमेल के लिए बनता है और एक बार मेल के लिए बनता है, ठीक है। और इसमें ये देखिए, यहाँ पर ये डेटा परसेंटेज में दिखाते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हम मेल का परसेंट मेल पॉपुलेशन से नहीं निकालते हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्रॉस कंपैरिजन करना है, है ना। हम टोटल पॉपुलेशन के संदर्भ में ही सारे आयु वर्गों में स्त्री और पुरुषों के प्रतिशत निकालते हैं कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या स्त्री या पुरुषों की उस निश्चित आयु वर्ग में, उस क्षेत्र में निश्चित समय में पाई गई, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सरल पिरामिड आरेख है। हम इसके अंदर यदि दूसरे पिरामिड आरेख पे जाएं तो उसे हम कहते हैं अध्यारोपित पिरामिड आरेख, सुपर इम्पोजिशन होता है इसके अंदर, इसलिए सुपर इम्पोज्ड पिरामिड आरेख बोलते हैं। ऐसा लगता है कि दो पिरामिड आरेख अलग अलग बनाए और फिर आपस में उनको चिपका दिया हो इस तरह से कि पहले की विशेषताएं भी नजर आती रहे और दूसरे की विशेषताएं भी नजर आती रहे। अब देखो, हम इस तरह के जो अध्यारोपित पिरामिड आरेख है वो हम किन्हीं दो स्थानों, ठीक है, उनके लिए बनाकर तुलना कर सकते हैं। हम एक ही जगह के लिए,
जैसे मान लो हमने हमने राजस्थान का और केरल का बनाया, हमें पॉपुलेशन पिरामिड आ रही है किसी निश्चित समय के लिए, हम उसकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है। और हम पॉपुलेशन के ही अलग अलग समय के दो पिरामिड आ रहे हैं की भी तुलना कर सकते हैं, ताकि हम ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि हमने यदि मान लो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए या कोई एफर्ट्स किए हैं तो वो हमारी जनसंख्या की संरचना में किस तरह से बदलाव ला रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ये माने कि हमने जैसे पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग ड्राइव है उसको तेज़ कर दिया था साहब 1975-76 से, हम देखते हैं कि उस समय से लेके आज तक, तो एक रेफरेंस पॉइंट वो ले लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट आज तक का ले लेते हैं और हम देखते हैं कि पॉपुलेशन पिरामिड में किस तरह के परिवर्तन आए हैं, किस तरह के चेंजेस हमें पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है उसमें देखिए ये आयु वर्ग है और ये है बिहार के लिए कुल जनसंख्या का प्रतिशत पुरुष और स्त्री, और ये है पश्चिम बंगाल के लिए, समय एक ही है 1981, ठीक है। तो यदि हम अलग अलग बनाते हैं तो एक सरल दंड आरेख बनेगा बिहार के लिए और एक सरल दंड आरेख बनेगा पश्चिम बंगाल के, ठीक है। और ये ठीक वैसे ही बनेगा जैसे अभी अभी हमने जो विधि पूरी की है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं अध्यारोपित में, हम इन दोनों जो स्थान है, ठीक है, उनके लिए पॉपुलेशन पिरामिड एक ही खाके में बनाते हैं, ये देखिए, ठीक है। और हमने कहा कि हमारा जो शेडेड जो डॉटेड पोर्शन है ना, वो जो पिरामिड है जो डॉटेड बार्स के द्वारा दिखाया गया है जिसमें दंड जो है ना उनमें बिंदुओं की छाया है, वो मेरा वेस्ट बंगाल के लिए है और जो मेरे प्लेन दंड है वो मेरे हमने ये कहा कि वो मेरे बिहार के लिए। अब देखिए आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 35 से 39 वर्ष की जनसंख्या का वर्ग लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला कॉलम, ये नीचे वाला है ना डॉटेड वाला, ये है वेस्ट बंगाल के लिए, और आप इसको नीचे चलो तो इसका मतलब ये हो कि वेस्ट बंगाल में 35 से 39 वर्ष के जो पुरुष हैं वो लगभग लगभग 4% से थोड़े से कम है ना। लेकिन इसी वर्ग में यदि आप बिहार में यदि पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करो तो वो जो है वो 3 से थोड़ा ही ऊपर है। इसका मतलब कि इसकी सहायता से हम किन्हीं दो स्थानों की जनसंख्या को कंपेयर कर सकते हैं और उन दो स्थानों की जनसंख्या, ठीक है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगी उसके बारे में हमें हल्का सा आइडिया मिल सकता है। जैसे यहाँ हमें दिखाई दे रहा है साहब कि ये जो बार बाहर निकल रहे हैं ये बिहार के हैं और बिहार के बार क्लियर इंगित कर रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार में पॉपुलेशन की ग्रोथ तेज बनी रहेगी इन कंपेरिजन टू वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की तुलना, ठीक है। तो ये होते हैं अध्यारोपित पिरामिड आरेख। इसके बाद एक और पिरामिड आरेख है मिश्रित पिरामिड आरेख। अब मिश्रित पिरामिड आरेख है ना ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आयु वर्ग व लिंग के अतिरिक्त जनसंख्या के अन्य लक्षणों की तुलना करने के लिए हम इनको बनाते हैं, है ना। क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कि हम दोनों के अंदर हमने एज स्ट्रक्चर लिया और सेक्स कैटेगरीज ली, ठीक है। अब ये जो आरेख बनते हैं इनकी जो शेप होती है वो टेरेस के रूप में होती है, सोपान नुमा या सीढ़ी नुमा आकृति दर्शाते हैं ये, और भिन्न भिन्न सोपान किसी स्थान या क्षेत्र की भिन्न भिन्न वर्षों में कुल जनसंख्या को प्रकट करता है, ठीक है। अलग अलग सोपान है ना अलग अलग जनसंख्या को प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण लीजिए, ये देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए है, ठीक है, 1901 से 1981 तक का डेटा यहाँ लिया गया है। और यहाँ पे जैसे 1901 में ये कुल जनसंख्या थी दिल्ली की, इसमें ग्रामीण इतने और पुरुष इतने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो
एक एक सोपान बनेंगे ना, एक एक पायदान, ठीक है। तो इसमें जो जो पहला पायदान है, ठीक है, पूरा पूरा पायदान जो टेरेस की पूरी चौड़ाई है, ठीक है, वो तो हमारी कुल जनसंख्या होगी, ये ध्यान रखना है ना, वो हमारी क्या होगी, कुल जनसंख्या होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि उस पूरे के पूरे एक पायदान को, एक सोपान को हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग दो भागों में बांट कर, है ना, आनुपातिक रूप से, ठीक है। और उसमें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को हम अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को हम अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम ये देखते हैं कि भिन्न भिन्न वर्षों के लिए भिन्न भिन्न सोपान बन जाएंगे, ठीक है। अब प्रारंभिक वर्ष की कुल जनसंख्या प्रकट करने वाला सोपान सबसे ऊपर बनाएंगे हम, ठीक है, और फिर ऐसे करते करते हम नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके पश्चात एक सोपान के दोनों किनारों को हम इसमें मिलाएंगे जरूर, ये हमें ध्यान रखना है ना, ये हमें ध्यान रखना है कि इस प्रक्षेप में हम एक सोपान के दोनों किनारों को जरूर मिलाएंगे, क्योंकि कोनों को मिलाकर ही आरेख को सीढ़ी नुमा पिरामिड का रूप दिया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो हरेक सोपान होगा ना, उसके किनारों को हम मिलाएंगे, ठीक है, और आरेख के सोपानों को मिश्रित दंड की भांति हम विभाजित करेंगे। जैसे आपने मिश्रित दंड आरेख में देखा ना, जैसे मान लीजिए चार फसल है, तो हमने क्या किया, एक दंड बना लिया कुल उत्पादन के लिए, कुल फसल उत्पादन के लिए, और बाद में हम क्या करते हैं, चारों फसलों के अनुपात के हिसाब से वो जो दंड है जो हमने कुल के लिए बनाया है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि उस दंड के अंदर उसके चार भाग कर देते हैं, और उन चार भागों को हम उसी अनुपात में करते हैं जिस अनुपात में हमारे चार फसलों के डेटा हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो प्रत्येक सोपान है, ठीक है, उसको मिश्रित दंडारेख की भांति विभाजित करते हैं। मैं अभी आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है, और इस प्रकार से जैसे यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 1901 से 1981 तक, है ना, हर 10 वर्ष बाद कुल जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। तो हम क्या करेंगे, कुल जनसंख्या के लिए हम सोपान बनाएंगे। जैसे देखो, ये मैंने एक पैमाना ले लिया, ये स्केल ले लिया मैंने, ठीक है, और इस स्केल के हिसाब से, ये पैमाना जो मैंने लिया है उसके हिसाब से मेरे ये एक एक सोपान की चौड़ाई तय होगी, मेरे एक एक सोपान की चौड़ाई तय होगी, ठीक है। अब जैसे 1901 की जनसंख्या के लिए पूरा सोपान है, अब मैंने यहाँ पर ये इंडेक्सिंग करके दिखाया है कि ये जो डॉटेड शेड है वो तो मेरे अर्बन पॉपुलेशन को दिखाता है, और जो मेरा सॉलिड ब्लैक कलर का जो शेड है वो शेडिंग मेरी रूरल पॉपुलेशन को दिखाती है। तो मैं क्या करूँगा, उसका अनुपात निकाल कर और उसको उसी अनुपात में यहाँ विभाजित कर दूँगा, ठीक है, और बीच में क्या करते हैं, हम इनके वर्ष लिख देते हैं। तो ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है वो प्रोपोर्शन रूरल पॉपुलेशन है, और ये जो डॉटेड लाइन की शेडिंग दिखाई दे रही है ये प्रोपोर्शन अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें एक वर्ष के लिए एक अलग से सोपान बनेगा, इसीलिए देखो ये 1901 के लिए, 11 के लिए, फिर 21, 31, 41, 51, 61, 71 और 81, ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं, क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं फिर कि इसमें एक निश्चित गैप छोड़ते हैं और हम क्या करते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं, इसको यहां से मिलाने दोनों तरफ के किनारे जब हम मिलाते हैं तो फिर ये हमें सीढ़ी नुमा दिखाई देता है, टेरेस्ट के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है, और इस प्रकार से हम जनसंख्या के
के लक्षणों को पिरामिड आरेख के द्वारा दिखाते हैं। बहुत ही सशक्त आरेख है ये किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को बताने का, ठीक है। और हम यदि इस प्रकार के जो आरेख हैं उनकी हम यदि तुलना करें, ठीक है, तो हम अलग अलग जो देश हैं उनकी जनसंख्या की वर्तमान स्थिति, यदि हम उसमें टाइम रेफरेंस के साथ हम उनके, जैसे मान लो हर 10-10 साल बाद या 5-5 साल बाद पिरामिड आरेख बनाएं, तो हम वहाँ के जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों की दशा और उसके आधार पे उस क्षेत्र में फ्यूचर में पॉपुलेशन की चेंज की डायरेक्शन क्या होगी उसको भी हम दर्शा सकते हैं। तो ये एक बहुत सशक्त तरीका है पॉपुलेशन के डेटा को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है।